नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अखंड बुकर। सो भाई आज हमने ऑर्डर कर दिया है जी, साउथ दिल्ली में काफ़ी फेमस है थाली वाला नाम से, तो भाई हमने इनकी थाली ऑर्डर कर दी है। तो यार इसके ऊपर देख सकते हो ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं हो रखी है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल किसी बिल्कुल नॉर्मल से सिंपल ढाबे से मंगवाया है खाना। तो भाई जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। भाई थाली देखने में तो काफ़ी सही लग रही है, ब्रांडिंग तो बिल्कुल नहीं हो रखी है, पर चलो हो सकता है खाना अच्छा हो। ये साथ में कटलरी आई है जी, जब दोस्तों कर लेते हैं इसको ओपन। वाओ यार काफ़ी सही लग रही है देखने में दाल मखनी, भाई एकदम पूरे धुएं उठ रहे हैं। वाओ भाई काफ़ी क्रीमी और बटरी लग रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत थिक है भाई, बहुत ही सही लग रही है देखने में तो। और ये जिनका वो शाही पनीर स्टाइल का पनीर है, वह पनीर के भाई हाँ चार पीसेस पनीर के भी दिए इन्होंने, ये भी काफ़ी सही लग रहा है भाई। और इसके बाद बारी आती है जी भाई ये रायता, इसके अंदर जीरा और धनिया मेरे को काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और भाई साथ में आइए ये चटनी और प्याज, मिंट चटनी और प्याज काफ़ी बढ़िया है भाई ये भी। और भाई ये है साथ में आया है दो लच्छे पराठे, काफ़ी सही लग रहे भाई पूरे ये भी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरुआत कर देते थाली की, देरी ना करते हुए करते हैं जल्दी से टेस्टिंग स्टार्ट और देखते हैं भाई। ये बहुत ही खाना बहुत ही सही लग रहा है यार मुझे, दाल मखनी भी और ये भी और ये भी, मतलब बहुत लोकल जगह मेरे को लग रही है। मैं इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया थाली वाला से खाना, तो जल्दी से भाई लच्छा पराठा भी मेरे को काफ़ी सही लग रहा है, एकदम फ्लेकी है पूरा देख सकते हो आप, मेरे को लच्छा पराठा लग रहा है तवे वाला, पर चलो कोई नहीं। तो चलिए जी सबसे पहले बाइट बनाते हैं, दाल मखनी से शुरुआत करते हैं, गाढ़ी वाली दाल मखनी से, बहुत गाढ़ी दाल मखनी एकदम बटरी और क्रीमी है। लेते हैं जी प्याज, तो एक अच्छी सी बाइट हमने बना ली है और जल्दी से देखते हैं दाल मखनी कैसी है इनकी। भाई साहब भाई बहुत टेस्टी दाल मखनी है, एकदम जैसे दिख रही है ना बहुत ज़्यादा क्रीमी बटरी और बहुत रिच, भाई बहुत टेस्टी यार, मतलब बहुत ही कम लोग इतनी मेरे को लगता है इतनी अच्छी और इतनी गाढ़ी दाल मखनी बनाते हैं। अब देखो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है बट यार बहुत टेस्टी आ रही है, मतलब इतनी छोटी मोटी जगहों से बोलूँगा मैं इसको, मतलब बहुत मैंने फेमस नाम नहीं सुना है इसका, मुझे पता भी नहीं है, हो सकता है बड़ी जगह हो, बट मैंने मतलब इतनी अच्छी दाल मखनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बहुत ही अच्छी है यार। तो पनीर से तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, दाल मखनी इनकी इतनी अच्छी है तो पनीर तो डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। जल्दी से बना लेते हैं एक अच्छी सी बाइट और भाई पनीर की भी शंका दूर कर लेते हैं और करते हैं भाई पनीर को स्टार्ट। लगभग चार पीस छोटे छोटे आए हैं, तो आप एक पीस हमने ले लिया है। ग्रेवी सी की अच्छी बटरी लग रही है, शाही पनीर स्टाइल की ग्रेवी है, तो जल्दी से करते हैं शुरुआत, इसको भी देखते हैं भाई कैसा बना है। यार बहुत ही बढ़िया है, तो मतलब मेरे को पैसा से पहले लगता है कि थोड़ा मीठा हुआ, देखने से ग्रेवी ऐसी लग रही है थोड़ी मीठी मीठी शाही पनीर स्टाइल की जो मीठी ग्रेवी होती है, बट उसके बिल्कुल अपोजिट है भाई, स्पाइसी है शाही पनीर स्टाइल की ग्रेवी बट स्पाइसी है, बहुत बढ़िया है यार, हल्का हल्का मसालों का फ्लेवर और भाई स्पाइसनेस बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, ये बहुत ही शानदार है पनीर भी इनका। अब कर लेते हैं जी लास्ट में रायता, भाई ये भी काफ़ी सही लग रहा है देखने में, इसमें धनिया और जीरा लग दिख रहा है मुझे, बाकी मतलब बहुत ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत अच्छी क्या बहुत कोई सब्जियाँ डली है, तो उसको भी एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ भाई, देखता हूँ कैसा ये। भाई इसके अंदर थोड़ा नमक ज़्यादा लग रहा है मुझे बट फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, भुना हुआ जीरा और धनिया का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा मेरा, दाल मखनी बहुत ही बढ़िया है, शाही पनीर भी बहुत ही बढ़िया है, तो रायता में हल्का सा नमक मेरे को ज़्यादा लगा, बाकी फ्लेवरफुल बहुत ज़्यादा है, मतलब धनिया और जीरे का बहुत तगड़ा फ्लेवर है। और यार इस थाली की कॉस्ट जो है 235 रुपये आफ्टर डिस्काउंट है, मतलब बहुत सस्ती थाली है, 235 रुपये कुछ नहीं आता अगर इतना अच्छा दो लच्छे पनीर दाल मखनी रायता और ये ले गए, तो भाई मेरे को तो काफ़ी वर्थ इट लगी है थाली, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, धन्यवाद।